हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर 7 ट्रायंगल्स शुरू किया था कि जिसमें हमने खास करके कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट समझा था और साथ में कॉरेस्पॉन्डिंग का भी कंसेप्ट हमने समझा था। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स क्या था? तो वी कैन सी दैट टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल थ्री साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल थ्री एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजर। देन वी कैन से दैट टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, ये हमने कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट समझा था कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तब भी होंगे कि जब दोनों ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के लेंथ इक्वल होंगे और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के मेजरमेंट कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, और कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ड का जो मीनिंग है वो भी हमने समझा था दो तीन अलग अलग एग्जाम्पल्स लेके। बाद में हमने उसका कन्वर्स समझा था कि इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन वी कैन से दैट इट्स ऑल पार्ट्स आर कॉन्ग्रुएंट और इक्वल। ठीक है, और कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर कॉन्ग्रुएंट और इक्वल। ओके, CPCT का कंसेप्ट हमने देखा था। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ओके, सो वो सारे कंसेप्ट के हिसाब से एक एग्जाम्पल हमने खुद किया था, फिर मैंने आपको एक एग्जाम्पल होमवर्क में दिया था कि अगर ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है देन राइट देयर कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल साइड्स एंड एंगल्स। तो हमें इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल साइड्स और एंगल्स लिखने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे वो चीज मेंशन करते हैं कि यहाँ पे ट्राइंगल एम एन ओ इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल वाई जेड एक्स, ऐसा हमें दिया है। तो साइड्स के लिए हम कह सकते हैं कि पहले एम एन साइड यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, वाई जेड साइड, दोनों इक्वल पहले दो लेटर्स के हिसाब से। देन एन ओ साइड और यहाँ पे जेड एक्स साइड, वो भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। जेड एक्स कहो या एक्स जेड कहो, दोनों चीज सेम ही होगी। फिर फर्स्ट एंड लास्ट एम ओ एंड वाई एक्स, ये भी साइड्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स। ठीक है, फिर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो एंगल एम के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल वाई है इक्वल, फिर एंगल एन के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जेड है इक्वल, और एंगल ओ के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्स है इक्वल। ठीक है, तो ये हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। सो हम फिगर्स अगर यहाँ पे मेंशन करें तो एम एन ओ एंड ये हो जाएगा एक्स वाई और जेड ट्राइंगल। ठीक है, जनरल सीक्वेंस में एक्स वाई जेड होता है। अब हम कॉरेस्पॉन्डिंग के हिसाब से क्या करते जाएंगे, कॉरेस्पॉन्डेंस के हिसाब से मार्क्स लगाते जाएंगे। एम एन और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग है वाई जेड, तो एम एन और यहाँ पे है वाई जेड। एन ओ और जेड एक्स, तो ये एन ओ और उसके साथ कौन सा इक्वल है, जेड एक्स इक्वल है, और एम ओ और उसके साथ है वाई एक्स, तो ये वाई एक्स इक्वल है। ठीक है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हमने प्रेजेंट किए। फिर एंगल एम एंगल वाई इक्वल है, तो ये एंगल एम और ये एंगल वाई। फिर एंगल एन और एंगल जेड इक्वल है, तो एन और जेड इक्वल हुए। फिर ओ और एक्स इक्वल है, तो ये ओ और ये एक्स इक्वल है। ठीक है, तो इस तरीके के हम मार्किंग से क्या कर सकते हैं, बिना मेजरमेंट किए हम, या बिना मेजरमेंट को प्रेजेंट किए हम कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहेगा। इनकेस आपका इसमें कुछ भी बाकी हो या गड़बड़ हो तो आप करेक्ट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
होपफुली यू हैव डन। नाउ वी विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट कंसेप्ट। अब नेक्स्ट कंसेप्ट जो है criteria of congruency of triangles। अब क्राइटेरिया क्या है और इन क्राइटेरिया की क्या जरूरत है वो हम पहले समझते हैं, ठीक है। तो क्राइटेरिया एक्चुअली किस लिए काम आता है कि अगर हमें कोई भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करना है कि भाई कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो उसके लिए हमें इसके छह पैरामीटर्स को इक्वल शो करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि कोई भी ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो मतलब उसके तीन साइड्स और तीन एंगल्स के रिस्पेक्टिव मेजरमेंट्स हमें क्या करने पड़ते हैं, इक्वल शो करने पड़ते हैं। यानी कि टोटल छह पैरामीटर्स को हमें क्या करना पड़ता है, इक्वल शो करना पड़ता है, तब जाके हम क्या कर सकते हैं, दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। लेकिन क्राइटेरियाज जो है, ठीक है, उनमें क्या करना पड़ेगा कि एज पर द कंडीशंस ऑफ द क्राइटेरिया हमें सिर्फ तीन तीन पैरामीटर्स को ही क्या करना पड़ेगा, इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। कौन से तीन पैरामीटर्स, तो दैट डिपेंड्स ऑन द क्राइटेरिया कि हम कौन सा क्राइटेरिया यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो वन बाय वन हम क्या करते जाते हैं, क्राइटेरिया लिखते जाते हैं, समझते जाते हैं, प्लस उसके यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग हम एग्जाम्पल्स भी लिखते जाते हैं, ठीक है। तो समझ में क्राइटेरिया क्या है कि भाई छह छह पैरामीटर्स हमें इक्वल प्रूव ना करने पड़े और क्राइटेरिया के हिसाब से सिर्फ तीन ही पैरामीटर्स हमें इक्वल प्रूव करने पड़े और उन तीन पैरामीटर्स को इक्वल प्रूव करने से हमारे दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो वी कैन से दैट कि हमारा काम आसान हो गया, ठीक है। छह छह पैरामीटर्स को हमें इक्वल शो करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। तो क्या है ऐसा, तो हम पहले देखते हैं फर्स्ट क्राइटेरिया, दैट इज एस ए एस क्राइटेरिया। ठीक है, एस ए एस क्राइटेरिया में क्या है, तो सिंपल एस स्टैंड्स फॉर साइड, फिर ए स्टैंड्स फॉर इंक्लूडेड एंगल, एंड अगेन दिस एस स्टैंड्स फॉर साइड। सो दिस क्राइटेरिया विल बी नोन एज साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक है। इस क्राइटेरिया को हम क्या कहेंगे, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ये इंक्लूडेड वर्ड का मीनिंग मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं कि ये साइड एंगल साइड क्राइटेरिया है क्या। सो टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट if two sides and included angle of one triangle are congruent oblique equal to the two sides and included angle of
दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं कब, कि जब दो साइड्स और उन्हीं दो साइड्स का इंक्लूडेड एंगल कॉरस्पॉन्डिंगली दूसरे ट्रायंगल के दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल के साथ क्या हो, इक्वल हो या कॉन्ग्रुएंट हो, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल से चीज एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे जगह चाहिए, तो पहले आप ये लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये यहाँ पे सिर्फ ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ तो ये लिख लीजिए SAS क्राइटेरिया, ये और ये उसका एक्सप्लेनेशन, फिर मैं एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। ओके, फुल आपने लिख लिया होगा। थोड़ा अगर मैं इसमें जल्दी चलूंगा, क्योंकि चैप्टर काफी लेंदी है, तो अगर आपका बाकी रह जाए, ठीक है, तो आप पॉज करके लिख लिया करना। ठीक है, हाँ तो हम समझते हैं अब ये SAS क्राइटेरिया। ठीक है, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन लिखा, लेकिन कंफ्यूजन तो होगा ही आपके दिमाग में। नाउ लेट अस हैव अ एग्जाम्पल। लेट अस हैव दिस टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर। ओके, नाउ इन दिस टू ट्राइंगल्स सपोज वी हैव लाइक दिस, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू और एल्स ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू आर और एल्स बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दोनों जो ट्राइंगल्स है, इन दोनों ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग दो साइड्स, ठीक है, एक साइड ए बी पी क्यू, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग, और दूसरा बी सी और इसका दूसरा क्यू आर इक्वल है, और उन दोनों का इंक्लूडेड एंगल, जो दो साइड्स इक्वल है उन दोनों साइड से ही बनता हुआ एंगल, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ इंक्लूडेड एंगल। ठीक है, जो दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है उन्हीं दोनों साइड से हम कह सकते हैं कि बनता हुआ एंगल, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ इंक्लूडेड एंगल। ठीक है, और वो इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे है, कॉन्ग्रुएंट है, दैट इज द SAS क्राइटेरिया। ओके, सो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि फॉर ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, इफ ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू देन
एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू एंड देन बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर, ठीक है, साइड एंगल साइड, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग दो साइड्स और उन्हीं दोनों साइड से बनता हुआ इंक्लूडेड एंगल। तो ये तीनों पैरामीटर्स अगर इक्वल है देन ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल पीक्यूआर। तो ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो ये जो है वो हमारा साइड एंगल साइड क्राइटेरिया हुआ, ठीक है, कि दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और उनसे बना हुआ इंक्लूडेड एंगल, ठीक है। तो हम इसके रिगार्डिंग थोड़े एग्जांपल्स भी लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, लेकिन पहले आप यहाँ तक लिख दो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, होपफुली यू हैव डन दिस, ठीक है। और जैसे मैंने कहा बाकी रह जाए तो आप पॉज कर सकते हो, लेकिन फिगर्स वगैरह सारी चीज़ आप पेंसिल और स्केल से ही बनाना, ठीक है। हर बार हर लेक्चर में कहने के बावजूद भी कई लोगों के नोट्स में रफ फिगर्स आते हैं, सो इसी वजह से मुझे बार बार कहना पड़ता है, ठीक है। हाँ, सो अब हम इसके रिगार्डिंग एग्जाम्पल लेते हैं। और उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस आपको लिखनी है, वैसे हम एग्जाम्पल करते हैं, मैं बताता हूँ आपको। State following pairs of triangles will be congruent by SAS congruence rule, SAS congruence rule भी कह सकते हैं, SAS criteria भी कह सकते हैं। फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्राइंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट बाय एस एस कॉन्ग्रुएंस रूल और नॉट, राइट। कॉरेस्पॉन्डेंस फॉर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है तो उनको सिंबॉलिकली हमें प्रेजेंट भी करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़े पहले कुछ फिगर्स बनाता हूँ, तब तक आपको वेट करना होगा।
तो इस तरीके के हमारे पास यहाँ पे फिगर्स है, ठीक है। और मैंने सिंबॉलिकली कॉरस्पॉन्डिंग जो जो पार्ट्स इक्वल है वो दिखाए हैं, ठीक है। वो मार्किंग्स वाला कंसेप्ट मैंने आपको कल एक्सप्लेन कर दिया था, मतलब लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है, कि जहाँ जहाँ सेम मार्क्स प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है, वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे है, इक्वल है। तो अब इन फिगर्स को ध्यान से ऑब्जर्व करके हमें बताना है कि एस ए एस यानी कि साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये इक्वल होते हैं कि नहीं, ठीक है। और हाँ, अगर इक्वल होते हैं तो आप उसका क्या करोगे, सिंबॉलिकल प्रेजेंटेशन कॉरेस्पॉन्डेंस का कॉम जो है वो भी आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि हम यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व करें, ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो साइड ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड पी आर इक्वल है, ठीक है। मतलब कि एस ए एस क्राइटेरिया का पहला एस सेटिस्फाई हुआ कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक एक साइड जो है वो इक्वल है। फिर क्या होता है, क्राइटेरिया में आता है एंगल। तो अगर हम देखें तो एंगल बी यहाँ पे इक्वल है और एंगल आर यहाँ पे इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि फिलहाल तो हमारा ये एंगल भी सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। और तीसरा क्राइटेरिया के हिसाब से आता है साइड। तो तीसरा हम क्राइटेरिया अगर देखें तो इधर साइड है, तो इधर साइड बी सी और इधर साइड क्यू आर, तो वो भी सेटिस्फाई हुआ। अभी एंगल के लिए एक और चीज देखना हमारा बाकी है कि एंगल जो है वो कैसा होना चाहिए, इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। मतलब कि ये जो दो साइड्स है उन्हीं दोनों साइड से बनता हुआ एंगल होना चाहिए। तो इसमें ये दोनों साइड्स इक्वल है, उन्हीं से बनता हुआ एंगल है। यहाँ पर भी ये दोनों साइड्स इक्वल है, उन्हीं से बनता हुआ एंगल है। मतलब कि दोनों ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग दो साइड्स और कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, मतलब कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो कैसे है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हम इतना कह सकते हैं कि यस, पहले तो दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब दूसरी चीज, हमें अगर कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरेस्पॉन्डेंस प्रेजेंट करना है, तो इसमें हम ए बी सी कॉरेस्पॉन्डिंग पी क्यू आर नहीं लिख सकते, क्योंकि आप देख सकते हो कि ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग पी क्यू साइड इक्वल नहीं है, ठीक है। इसलिए ए बी सी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या जाएगा, तो देखो वो लॉजिक आपको मैं बताऊँ, कॉरेस्पॉन्डेंस कैसे डिसाइड करना है, ठीक है। ये तो हमने कर दिया। अब दूसरे ट्राइंगल के रिस्पेक्टिव वर्टाइसिस हमें यहाँ पे लिखने हैं, तो उसमें एक चीज समझ लो कि भाई एंगल बी जो है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आर आना चाहिए, वो इक्वल शो कर रहा है, मतलब बी के कॉरेस्पॉन्डिंग आर। तो बी की जगह पे हम क्या कर देते हैं, आर लगा देते हैं। अब बचा यहाँ, और यहाँ कौन कौन सा वर्टेक्स आएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो जो दो साइड्स इक्वल है वो हम प्रेजेंट करें, ए बी और पी क्यू इक्वल है, बी सी और क्यू आर इक्वल है, बी सी और क्यू आर इक्वल है। अब इसमें आप लॉजिक लगाओ, ठीक है। वैसे तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हम समझ सकते हैं, ठीक है, पर वैसे अभी ना समझ में आए तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि साइड ए बी और साइड पी क्यू दोनों कैसे है, इक्वल है। साइड बी सी और साइड क्यू आर दोनों इक्वल है। तो देखो, ये दोनों में कॉमन कौन सा वर्टेक्स आ रहा है, बी, और इन दोनों में भी सामने कौन सा कॉमन आ रहा है, क्यू। मतलब बी के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या जा रहा है हमारा, एक मिनट कुछ गड़बड़ हुआ, ओके। हाँ, सो हाँ, हम यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस लिख रहे थे। तो एंगल बी जो है, ठीक है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा है, यहाँ पे एंगल आर। तो इस वजह से हमने क्या किया, बी के कॉरेस्पॉन्डिंग आर को प्रेजेंट कर दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें बाकी के दो पोजीशंस पे कौन कौन से वर्टाइसेस आएंगे वो हमें देखना है, ठीक है। तो वो देखने के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो साइड्स कॉरेस्पॉन्डिंग हमने लिख दिया है कि ए बी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा इक्वल है, पी आर। तो ए बी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पी, अच्छा, ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे आ जाएगा पी आर, ए
एबी के कॉरेस्पॉन्डिंग पी आर, फिर बी सी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे कौन सा है क्यू आर, तो बी सी और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा चला जाएगा क्यू आर, ठीक है। तो ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग पी आर और बी सी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू आर हमें इक्वल दिया है। हाँ अब देखिए कि भाई इन दोनों में कौन सा वर्टेक्स कॉमन है, बी है, और इन दोनों में कौन सा है आर, तो बी के कॉरेस्पॉन्डिंग आर है हमारा, तो सीधा हम कह सकते हैं कि ए के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा हो जाएगा पी हो जाएगा और सी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा हो जाएगा क्यू हो जाएगा, तो ए के कॉरेस्पॉन्डिंग पी और सी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल पी आर क्यू। तो इस तरीके से आपको जो दो साइड्स इक्वल दिए हो उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे ट्राइंगल का क्राइटेरिया डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़े तो नेक्स्ट एग्जाम्पल, वापस से हमें क्राइटेरिया देखना है एस ए एस सेटिस्फाई होता है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे साइड एक्स वाई उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सॉरी साइड ए बी इक्वल है, फिर एंगल वाई के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सी इक्वल है और साइड वाई जेड के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बी सी इक्वल है, ठीक है। तो हम इतना तो कह सकते हैं कि दो साइड्स तो सेटिस्फाई हो ही रहे हैं, ठीक है। साइड एक्स वाई के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ए बी, साइड वाई जेड के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बी सी, ठीक है। तो अब गड़बड़ कहाँ पे है, तो गड़बड़ कहाँ पे है, तो एंगल वाई यहाँ पे इंक्लूडेड है दोनों साइड से बना हुआ, लेकिन एंगल सी यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि ये दोनों साइड के हिसाब से तो एंगल बी इंक्लूडेड होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो एंगल सी है जो कि इंक्लूडेड एंगल नहीं है, जो दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है उससे बनता हुआ एंगल बी है सी नहीं है, इस वजह से एंगल वाला रूल यहाँ पे सेटिस्फाई हुआ नहीं। इस वजह से साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे नहीं, ठीक है। या तो फिर ऐसा होना चाहिए कि एक्स वाई के कॉरेस्पॉन्डिंग ए सी साइड होना चाहिए, अगर एक्स वाई के कॉरेस्पॉन्डिंग ए सी साइड है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड क्राइटेरिया एप्लीकेबल रहता, ठीक है, जैसे इसमें था ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग बी आर, लेकिन इसमें वैसा है नहीं, इस वजह से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे नहीं। तो ये इंक्लूडेड एंगल का फंडा होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ फिर अब अगर हम यहाँ पे देखें तो दूसरे दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास एम एन ओ और डी ई एफ, उसमें कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स अगर हम देखने जाए वापस से तो देखते हैं क्या है, तो एम एन और डी ई एक एक साइड इक्वल है, एंगल एम और एंगल डी वो भी इक्वल है, साइड एम ओ और साइड डी एफ वो भी इक्वल है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स में अगर हम देखें तो ये दोनों साइड से बनता हुआ ये एंगल मतलब इंक्लूडेड एंगल, ये दोनों साइड से बनता हुआ ये एंगल मतलब अगेन इंक्लूडेड एंगल, सो साइड एंगल साइड के तीनों पैरामीटर्स यहाँ पे इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एक साइड, कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्लूडेड एंगल और कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरा साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स कैसे है कॉन्ग्रुएंट है, और ट्राइंगल एम एन ओ विल बी कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल। अब अगेन यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस लिखना है तो एम के कॉरेस्पॉन्डिंग डी तो चला ही जाएगा, ठीक है, एम के कॉरेस्पॉन्डिंग डी, तो यहाँ एम पहले लिखा है तो डी भी कहाँ आ जाएगा पहले आ जाएगा, ठीक है। अब साइड हम देखें तो एम एन इज इक्वल्स टू डी ई और एम ओ इज इक्वल्स टू डी एफ है, तो अब देखें कि एम के कॉरेस्पॉन्डिंग डी है मतलब एम के कॉरेस्पॉन्डिंग डी है, तो एन के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या चला जाएगा ई चला जाएगा, मतलब एन के सामने यहाँ पे ई लिख देंगे, और ओ के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या चला जाएगा एफ चला जाएगा, यानी कि ओ के सामने हम एफ लिख देंगे, तो एम एन ओ कॉरेस्पॉन्डिंग डी ई एफ ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो यहाँ पे काफी सारी चीजें देखी हमने, एक तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया कैसे अप्लाई करना है, क्या ध्यान में रखना है इंक्लूडेड एंगल के बारे में खास करके, ठीक है, और प्लस कॉरेस्पॉन्डेंस हम किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं।
ठीक है। तो अब ये सारी चीजें आप लिख लो फटाफट, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। Okay, hopefully you have done this. So now let us proceed with the textual examples. अब क्वेश्चन में हमें क्या किया होगा कि ये एस ए एस साइड एंगल साइड के रिगार्डिंग क्लूज दिए होंगे कि जिनको हमें आइडेंटिफाई करना है। इसमें सिक्स्थ चैप्टर के कंसेप्ट भी यूज होंगे, इसलिए वो सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर सिक्स्थ चैप्टर के कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो दिक्कत आ सकती है। तो देखते हैं हम एग्जाम्पल वन में हमें क्या दिया है और उस हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल वन आपकी टेक्स्ट बुक का मैं आपको बताता हूँ, पेज नंबर 113 पे है, ठीक है। एग्जाम्पल वन इन फिगर 7.8, तो मैं पहले फिगर बना के रखूं। ओके, ए डी बी और सी और यहां पे। अब देखो इन दिस फिगर ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, ओ ए और ओ बी इक्वल है, तो इस तरीके से हमारे पास है। तो ओ ए और ये ओ बी इक्वल हुए। फिर ओ डी इज इक्वल्स टू ओ सी, मतलब ओ डी और ओ सी इक्वल है, तो OD और OC इक्वल है। देन शो दैट ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल BOC एंड AD इज पैरेलल टू द BC। ये दो चीजें हमें यहाँ पे प्रूव करनी है। ओके, तो देखो कैसे हम प्रूव करते हैं। पहले तो हम गिवन लिख देंगे, कोई भी प्रूव दैट सम हो या थियरम हो तो गिवन और टू प्रूव लिखना कंपलसरी है। साथ में फिगर भी बनाना कंपलसरी है। कोई भी प्रूव दैट सम में गिवन, टू प्रूफ और फिगर, ये तीनों चीजें कंपलसरी है, उसी के बाद प्रूफ। इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि कईयों के मैंने टेस्ट पेपर देखे बिना फिगर के सम हो चुका है, कईयों ने गिवन टू प्रूफ कुछ भी लिखा नहीं है फिर भी सीधा प्रूफ प्रेजेंट करके काम कर दिया है, तो इस तरीके से काम नहीं चलेगा। गिवन भी लिखना है, टू प्रूफ भी लिखना है और फिगर भी अच्छे से बनाना है और बाद में प्रूफ, ठीक है। हाँ, अगर पहले फिगर बना दिया उसके बाद में गिवन टू प्रूफ लिखा और बाद में प्रूफ लिखा तो वो चले, इट्स ओके, लेकिन होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो गिवन वी कैन से दैट इन फिगर ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी एंड ओ डी इज इक्वल्स टू ओ सी। अब ये मत कहना कि सर ऐसा कुछ भी हमें इस एग्जाम्पल में नहीं देते, टेक्स्ट बुक की एग्जाम्पल में, उसमें भले ना दे लेकिन हमें करना होता है। हाँ, तो ओ ए इज इक्वल्स टू ओ डी एंड ओ बी एंड ओ डी इज इक्वल्स टू ओ सी, ये हमें दिया हुआ है।
देन टू प्रूफ कि भाई हमें प्रूफ क्या करना है। तो उसमें हमें दो चीज प्रूफ करने के लिए बोली है, एक ट्राइंगल ए ओ डी ट्राइंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल बी ओ सी, एक हमें ये प्रूव करना है। और दूसरा हमें बोला है ए डी इज पैरेलल टू द बी सी, ए डी जो है वो बी सी से क्या है, पैरेलल है, ऐसा हमें प्रूव करना है। ये दो चीजें हमें प्रूव करनी है इस सम में, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो फर्स्ट वाले पे फोकस करते हैं कि ट्राइंगल ए ओ डी और ट्राइंगल बी ओ सी, ये जो दो ट्राइंगल हमें नजर आ रहा है, एक ऊपर वाला थोड़ा उल्टा है वो, और एक नीचे वाला ए ओ डी, ये दोनों ट्राइंगल्स को हम किस तरीके से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, ये हमें पहले सोचना है, ठीक है। और फिर बाद में हम सोचेंगे कि ये पैरेलल कैसे प्रूव करना, दैट इज द सेकेंडरी मैटर। अब दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमने अभी अभी रिसेंटली ताजा ताजा एक क्राइटेरिया सीखा है, दैट इज साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। तो हमें अब यही दिमाग में सोचना है कि इसके दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और उन दोनों साइड से बनता हुआ एंगल इक्वल है नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग कोई क्लू है, अगर हाँ है तो क्राइटेरिया यूज करके हम क्या कर दे, प्रूव कर दे। तो देख कॉरस्पॉन्डिंग दो साइड्स तो हमें इक्वल दिए हुए हैं क्वेश्चन में ही, ओ ए और ओ बी इन दोनों के इक्वल है कॉरस्पॉन्डिंग एक साइड हो गया, ओ डी और ओ सी इक्वल है कॉरस्पॉन्डिंग दूसरा साइड हो गया। अब इंक्लूडेड एंगल अगर हम देखने जाए तो इन दोनों साइड से बनता हुआ इंक्लूडेड एंगल ये वाला है, और इन दोनों साइड से बनता हुआ इंक्लूडेड एंगल हमारा ये वाला है। तो ये दोनों एंगल्स क्या इक्वल हो सकते हैं? तो तुरंत ही दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि हाँ हो सकते हैं। कैसे? बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, मतलब हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के हिसाब से ये दोनों एंगल्स को इक्वल शो कर सकते हैं, भले ही क्वेश्चन में ना दिया हो। मतलब हम कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हुए तीनों पैरामीटर्स हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं, तो उसको यूज करके हम दोनों ट्राइंगल को क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो हम प्रूफ का शुरू सिलसिला आगे बढ़ाएं। तो इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल बी ओ सी, इन दोनों ट्राइंगल में क्या, तो ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, कैसे? तो भाई ये तो गिवन है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। जो भी पैरामीटर हम इक्वल शो करते हैं वो मुफ्त में नहीं कर सकते, उसका रीजन तो हमें प्रेजेंट करना ही है। अगर क्वेश्चन में दिया है तो हम लिख देंगे भाई गिवन है उसमें, ठीक है। फिर साइड के बाद हम क्या करेंगे, एंगल प्रेजेंट करेंगे। तो एंगल ओ, तो देखो मैंने जैसे एंगल के प्रेजेंटेशन में कहा था ना, अब यहाँ पे मैं एंगल ओ इक्वल्स टू एंगल ओ नहीं लिख सकता, कौन सा एंगल ओ, इसलिए मुझे पूरा लिखना पड़ेगा कि एओडी ट्राइंगल का एंगल ओ, यानी कि एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी, बी ओ सी भी इक्वल होगा, ठीक है। क्यों ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे? क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, इस वजह से। तो वो रीजन हमने यहाँ पे लिख दिया कि भाई ये वर्टिकली ऑपोजिट है, इस वजह से इक्वल है। और हमारा दूसरा साइड ओ डी और इधर का दूसरा ओ सी, तो ओ डी इक्वल्स टू ओ सी, और रीजन में क्या जाएगा, गिवन। ओके, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, दोनों ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग दो साइड्स और उन्हीं दोनों साइड से बनता हुआ, यानी कि उनका इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल बी ओ सी, और उसका भी हमें रीजन मेंशन करना है, कैसे? तो बाय साइड एंगल साइड, ठीक है। इस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हुए हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ
हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, फर्स्ट प्रूफ हुआ, ओके, कि साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुए, मतलब कि हमारा ये फर्स्ट प्रूफ हो चुका, ठीक है। अब सेकंड जो है, एडी इज पैरेलल टू द बीसी, उसके बारे में हम सोचते हैं। पहले आप इतना लिख दो, ठीक है। ओके, होपफुली आपने लिख लिया होगा, ठीक है। फिगर पेंसिल स्केल से बनाना है, बाकी हो तो लेक्चर पॉज करना है। हाँ, सो ये जो लास्ट स्टेप हमने लिखा हुआ है वो मैं यहाँ पे वापस लिख देता हूँ। ट्राइंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल बी ओ सी और बाय एस ए एस, ये हमने लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अब जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। जो एग्जांपल जैसे मैंने आपको होमवर्क में दिया था कि अगर दो ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है तो कौन कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, तो जबकि हमने यहाँ पे दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है, मतलब इसके अब 6 के 6 कॉरेस्पॉन्डिंग पैरामीटर्स, 6 के 6 कॉरेस्पॉन्डिंग पैरामीटर्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। उन 6 में से हालांकि 3 का तो हमने यूज कर लिया, लेकिन बाकी के 3 का हम अब यूज करने वाले हैं, 3 का नहीं वैसे 1 का नहीं। कैसे कि अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब एंगल ए और एंगल बी कैसे होने वाले हैं, कॉन्ग्रुएंट होने वाले हैं। तो ये हमारा है एंगल ए और ये हमारा है एंगल बी, कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे या इक्वल होंगे। सो दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, सो देयरफॉर एंगल ओ ए डी, पूरा नाम देंगे हम उसका, इज इक्वल्स टू एंगल ओ बी सी, ठीक है। और उसका रीजन क्या जाएगा, सी पी सी टी, सी पी सी टी का फुल नेम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हर बार नहीं लिखूंगा, आपको याद रखना होगा कि सी पी सी टी दैट स्टैंड्स फॉर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल और ट्राइंगल, ठीक है। दैट स्टैंड्स फॉर द सी पी सी टी, ओके। तो सी पी सी टी से यानी कि दो ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है, दो ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये हमने रीजन बताया कि ये दोनों एंगल्स इक्वल कैसे हुए, मुफ्त में नहीं हुए, ये दोनों ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसके ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, इस वजह से ये दोनों एंगल्स कैसे हुए हैं, इक्वल हुए हैं। तो एंगल ओ ए डी और एंगल ओ बी सी इक्वल है। अब आप फिगर ध्यान से देख सकते हो, जेड बन रहा है, मतलब ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है और ये दोनों इक्वल है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, मतलब ये दोनों लाइंस कैसे होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है। सो वी कैन से दैट इन फिगर एंगल ओ ए डी एंड एंगल ओ बी सी आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड दे आर इक्वल, सो देयरफॉर ए डी इज पैरेलल टू द बी सी। ये हमने दूसरा प्रूफ भी कर दिया, ठीक है। तो ये जो था वो पूरा कंसेप्ट था, और सी पी सी टी का मैंने जैसे कहा था कि आगे हम बहुत यूज करने वाले, हर एक सम में ये सी पी सी टी यूज करेंगे,
एक बार हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे कोई ना कोई क्राइटेरिया यूज करके। अभी हमने सिर्फ SAS क्राइटेरिया सीखा है, बाद में काफी सारे क्राइटेरियाज आएंगे, तो कोई ना कोई क्राइटेरिया यूज करके ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद आगे के कंसेक्यूटिव प्रूफ्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बाकी के पार्ट जो इक्वल होंगे उनमें से किसी का भी यूज करना हो सकता है। तो हमने पहले SAS अप्लाई करके दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, मतलब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सारे पार्ट्स, एंगल ए तो एंगल बी इक्वल होंगे, AD और BC साइड्स भी इक्वल होंगे, एंगल डी और एंगल सी भी इक्वल होंगे, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन हमें जरूरत सिर्फ एक ही पार्ट की थी, इसलिए वो पार्ट हमने प्रेजेंट करके उसका यूज कर लिया ताकि हमारा AD और BC पैरेलल हो जाए। तो ऐसे कंसेक्यूटिव सम्स की प्रैक्टिस हम करते जाएंगे, यहाँ पे सॉल्व करते जाएंगे, वैसे वैसे ये दिमाग में आपके बैठता जाएगा कि हाँ हाँ इतनी इतनी ऐसी ऐसी पॉसिबिलिटीज होती है जो कि प्रूव करने के लिए हमें यूज करनी चाहिए। ठीक है, सो ये यहाँ तक लिख दो, ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल वन खत्म होगा एंड दैट विल बी एंड ऑफ द लेक्चर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे के एग्जाम्पल्स के साथ में।